छोटी सी मिसाल देता हूँ, कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेते हैं यहाँ पे। डेली से शुरू करते हैं, कुछ ना कुछ हम ढूंढ लेते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे ये, अब ये कचरा वॉल्यूम बंद करते हैं हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हमें वैसे पता होता है कि कहाँ पड़ा हुआ है, तो उसके कैंडल्स की हमें जरूरत नहीं है। अच्छा, आज हो इधर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे क्या हुआ है, ये इसने जब ड्रॉप किया ना डेली पे, डेली पे ड्रॉप करने के बाद इसने ऊपर रिट्रेस किया। अब ये ऐसी चीज सिखा रहा हूँ आप लोगों को जो जिसके आप मजे से $500 लोगों से ले सकते हो। गौर से सुने इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो आपका पूरा जोन है ना, अब कहने के तो ये बहुत बड़ा जोन है। अब आपको इसको स्कोप करके नीचे छोटा करना पड़ता, यानी इसके अंदर से जूस निकालो, बाकी सारा कचरा जो है उसको साइड पे करो। उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छा मैसेज आया था, ठीक हाँ, तो ये आपका जोन हो गया। अब इसको जो आपको छोटा करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा जोन है, यानी मैं अगर इसका परसेंटेज निकालू ऊपर से लेके यहाँ तक, तो ये देखें 13% है। अब आप ये तो कह नहीं सकते हो कि 13% का जो है वो हमारा रेजिस्टेंस होगा, या फिर हमारा कोई फ्लैग लिमिट होगा, या हमारा कोई किंक होगा, या हमारा कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, तो 13% वाला तो सीन होता नहीं। इसलिए उसको आपको जाके नीचे छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर छोटा करना पड़ता है, उसको अपने लिए एग्जैक्ट लेवल ढूंढना पड़ता है। तो हम जाते हैं फिर 4 घंटे पे। 4 घंटे पे आने के बाद हमने देखा यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। मैं नहीं बताऊंगा किधर एग्जैक्टली है, जिसने देखा है वीडियो वो खुद ही समझ जाएगा, जिसने नहीं देखा है वो जाके वीडियोस देखे, वो इसीलिए डालता हूँ मैं, ठीक है जी। हमने सबसे पहली चीज ये देख ली कि भाई हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है। क्या मतलब है इसका, कि वो पैसा जिसको मार्केट ने लेके नीचे नहीं गया पहले, अब वो ऊपर जरूर आएगा, उसको उठाएगा वहां से फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पे देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से बगैर ज्यादा बात किए सीधा डोज उसको जो हम लोग ऐसे छोटा कर देंगे, फिर हम जाएंगे उसको फर्दर अगर छोटा करना हुआ, अगर उसकी गुंजाइश हुई तो हम उसको 1 घंटे पे ढूंढेंगे। 1 घंटे पे ढूंढने के बाद अगर फर्दर गुंजाइश हुई तो फिर हम अपना जोन छोटा कर देंगे, अदरवाइज हम अपना जोन इतना ही छोड़ेंगे। अब कम अज कम ये इसके 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 नस्बत बहुत बेहतर है, बजाय इसके कि आप इतना बड़ा लगाओ, तो ये छोटा सा जो है ना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें ज्यादा परसेंटेज वाइज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। यानी ये मतलब इतना कोई आपका जो है वो गुंजाइश गुंजाइश फॉर एरर, मतलब रूम फॉर एरर जो है इतना ज्यादा नहीं है, बनिस्बत इसके कि वो अगर आप उसको ऑल द वे इतना ही लगाओ और बाकी आपको आते ही नहीं है कि उसको छोटा कैसे कर। अच्छा, अब यहाँ लगाने के बाद क्या देखा आपने, ये आपका जोन है कि जिधर से जब आएगा प्राइस तो हमेशा गिरेगा। हमेशा से मुराद ये नहीं कि 50 साल भी अगर उधर आ जाए तो 50 साल गिरता रहेगा, उसका मतलब ये नहीं है। मतलब ये है कि एटलीस्ट द फर्स्ट 3 ट्राइज, कम अज कम जो पहले 3 रिटेस्ट होंगे उसके ऊपर, वहां पे वो गिरेगा। मगर ये भी डिपेंड करता है कि आपका ऑर्डर ब्लॉक कितना स्ट्रॉन्ग है, उसके अंदर कितना मोस्ट लाइकली पैसा पड़ा है। अब ये सारी चीजों के लिए फिर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ढूंढना पड़ता है, समझना पड़ता है, ढूंढना नहीं पड़ता, उसको समझना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको किंग्स ढूंढने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आपको पूरा जो एफएल का कंसेप्ट है फ्रॉम द हाई टाइम फ्रेम्स डाउन टू द लो टाइम फ्रेम्स, उसको समझना और डिफाइन करना पड़ता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं उसको छोटा छोटा करके जो है जितना मैं आपको बच्चों की तरह समझा सकता हूँ, उस हिसाब से हमने ये अपना ढूंढ लिया, ठीक है। अब क्या हुआ है, अब वो था कौन सा जमाना, वो था भाई ये वाला जमाना, ठीक है, वो ये जमाना था। अब ये चल रहा है आपका करंट सिचुएशन। अब आपको क्या पता कि भाई क्या करूं क्या नहीं करूं, लेकिन हम जैसे लोग होंगे तो फिर हम फौरन से अपने लाइनें शाइने लगा लेंगे, और वो लाइनों का मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमारा रेजिस्टेंस, कहने को तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस है, लेकिन उसके पीछे जो कंसेप्ट है वो वाला नहीं है कि जो बच्चों वाला है कि 50 लाइनें लगाओ, वो जो शुरू हो जाओ टटुओं की तरह, इधर ट्रेन लाइन खींचो उधर खींचो ये करो वो करो, ये सब कचरा बकवास जो है उससे हम लोग फायदा नहीं उठाते। हम अपना जो एक जोन ढूंढते हैं, उस जोन के पीछे एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट के जो है वो हम इस्तेमाल करके फिर हम अपने ट्रेड सेटअप्स को ढूंढते हैं, उस हिसाब से उसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने क्या देखा है कि भाई ये बार हमने आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद हमने जो वीक शेक है सब फालतू है हमने छोड़ दिया, उसको मेन जगह हमने उठा ली। उसके बाद अभी मैं इसको प्ले करता हूँ, ठीक है जी। अब आ गया इधर नीचे। अब आपको साथ में मैं एक और चीज इसके ऊपर ऐड कर देता हूँ, वो क्या है कि एक तीर से दो शिकार मारते हैं। एक तो ये हो गया हमारा, हमें आइडेंटिफाई किया हुआ, हमें पता है कि जब नेक्स्ट टाइम प्राइस वहां पे आएगी हमने उसको शॉर्ट करने सीधा सर पे खोपड़ी में मार्केट राइट। दूसरी चीज आपको एट द सेम टाइम बताता हूँ मार्केट डायरेक्शन के हवाले से। मार्केट डायरेक्शन एक और चीज होती है, प्राइस एक्शन एक और चीज होती है, याद रखें इसको, ठीक है जी। कहने को तो प्राइस ने जो है वो जंप मारा ना यहाँ से, मैं अगर उसको थोड़ा और प्ले करूं, ठीक है, कहने को तो प्राइस ने यहाँ से जो जंप मारा है इधर से लेके इधर तक, तो ये गया 27-28% ऊपर, बल्कि फिक्स 28% अगर मैं बिल्कुल विक से उठा के विक तक लेके जाऊं इसको, फिक्स 28.5% बल्कि। रीसेल हमारा जो है, रिटेल से मुराद वैसे हम सब रिटेल हैं, फर्क सिर्फ ये है कि बस हम रिटेल के अंदर रहते रहते हमने जो है वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेटजीज पे सारा हाथ साफ किया हुआ है। बाकी मेजोरिटी हमारी जो है वो क्या सोचते हैं,
कि भाई अप ट्रेंड है, वो बुल रन हो गया, वो शायद बॉटम हो गया, वो फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, जबकि हम बैठे हुए, हम तैयार बैठे इंस्टीट्यूशंस की तरह कि आप लोग जरा उधर आओ तो सही, एक बार आप अपना ट्रेड वेड तो लगाओ लॉन्ग शॉर्ट के, फिर देखो हम आपके साथ क्या करते। तो खुलासा मार्केट डायरेक्शन क्या है कि बेशक के यहाँ से प्राइस ऊपर गई है 28.5%, लेकिन हकीकत में क्या है कि हमें पता है कि मार्केट डायरेक्शन स्टिल रिमेन्स टू द डाउन साइड। क्यों, वजह क्या है उसकी? दो चीजें, एक तो हमें पता है कि इस लेवल से ऊपर अगर गया तो इसका मतलब ये कि हमारा पूरा एनालिसिस पीछे गलत है, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि वहां पे एक नहीं तीन तीन पड़े हुए, अगर कोई एक पड़ा हो तो बंदा कह सकता है शायद वो ट्रिगर ना हो, अगर तीन तीन पड़े हुए हैं तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ट्रिगर ना हो, ये बिल्कुल एल्गोरिथमिकली जो है वो पॉसिबल ही नहीं, यानी इंसान जो है क्या वो बगैर खाना खाए जिंदा रह सकता है, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। इसी तरह ये यानी उस पर आपको 110% ईमान है पूरा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे आपका बायस जो है वो आपके लिए बिल्कुल क्लियर और आप सर्टन हो, खुलासा आप बिल्कुल सर्टन हो जाते हो, आप डिटरमिन हो कि हाँ भाई ये जो है हमारे हिसाब से बिल्कुल नीचे जाएगा। दूसरी चीज, ये जो लो है ना आपका, यहाँ पे आप लगाते हो एक लाइन, ठीक है? अब इस लो का मतलब ये नहीं है कि आपका सपोर्ट है ये, ठीक है, मैं दोबारा उसमें नहीं जाऊंगा, ये कचरा है सब, तो इसका मतलब ये नहीं कि सपोर्ट लगा रहा हूँ, कहने को मैं इसको सपोर्ट आपके लिए बोलूंगा इसलिए ताकि आपको आसानी हो समझने में, अगर मैं कुछ और बोलूँ उसकी जगह आप गंग हो जाओगे कि बोल क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है, इसको प्ले करते हैं। बहरहाल पहले तो बहरहाल यहाँ आ गया ना, इसको तो आप लोगों ने देखा है, यहाँ आने के बाद आप लोग अपना शॉर्ट खोलते हो, ठीक है, जो पहला वाला आपका शॉर्ट है ऑल द वे डाउन, ये गया आपको 8% यानी 80% प्रॉफिट दिया आपको। स्टॉप लॉस किधर है आपका, ज्यादा ज्यादा जहाँ पे आपका ट्रेड ट्रिगर हुआ है ना, हमारा स्टॉप लॉस इस जगह पड़ा हुआ है, अब यहाँ से उठाएंगे आप अपनी एंट्री से ये इधर तक 3.6% आपका जो है वो इन दिस केस, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम से आए हैं यानी हम डेली से देख के 1 घंटे पे घुसे हैं, इसीलिए हमारा जो स्टॉप लॉस है थोड़ा ऊपर है, हालांकि स्टिल 3.6% स्टॉप लॉस कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ पे बना लिया क्या इक्वल हाइज। जब आप इक्वल हाइज बनाते हो तो इसका क्या मतलब है कि जो भी माल पीछे पड़ा हुआ है वो माल जो है x2 कर लो उसको, यानी फर्ज करो अगर वहां पे 50 लाख पड़ा है तो दरअसल वो 50 लाख नहीं है, वो 1 करोड़। ये बड़ा आसान तरीका है इसको समझाने का, 50 लाख नहीं पड़ा उसकी जगह 1 करोड़ पड़ा हुआ है, ये मतलब होता है। अब 1 करोड़ क्यों पड़ा हुआ है या उसको हम क्यों इस तरह समझे, वो इसलिए हम इसको इस तरह समझते हैं क्योंकि जब जब ऐसा होता है कि हम डबल टॉप बनाते हैं किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका पहले माल पड़ा हुआ है, उसके बाद आपको पता है कि डायरेक्शन भी टुवर्ड्स डाउन साइड है, तो इन दिस केस आपको समझ आ जाता है कि भाई यहाँ पे आप थोड़ा सा और अथॉरिटी के साथ जाके उसको जो है वो ट्रेड कर सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मैं स्टेप 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 बाय स्टेप बारा लाता हूँ कि भाई इधर जो है वो हो रहा क्या है और करना क्या है वगैरह वगैरह। अच्छा, आपका एक फ्लैग लिमिट इधर आ गया, ठीक है, उसके बाद आप देखो ये कितना नीचे आया, इधर से आपने शॉर्ट किया था ऑल द वे बैंग इधर तक, ठीक है। अब कोई बंदा ये बोले यार मैं अपनी टीपी क्या सेट करूं ये वो हिसाब किताब, तो देखें जब आप सही तरीके से सही जगह पे सही मिनट पे सही सेकंड पे आप एक चीज को आइडेंटिफाई करके पकड़ लेते हो ना, तो फिर इन दैट केस आपको पता है कि भाई आपका जो ओवरऑल रेंज है ना, रेंज कि जिधर से मार्केट जो है वो रिट्रेस करके आई, वो पूरा का पूरा रेंज जो है वो आपकी टीपी है, समझ रहे? आगे जाके समझाता हूँ आपको, ये देखें अभी खुलासा, तेज तेज आओ यार, ये तो किसी अस्पताल की तरह जो बंदा वो बेड पे नहीं होता वो चल रहा होता है। कौन सा कौन है ना, ये हॉट हॉट शहीद होने वाले, ठीक है जी। वंस अगेन इधर आया इक्वलाइज, उसके बाद जो है हमने यहाँ पे लो टाइम फ्रेम में अगर इसको जाके देखे ना तो ये इक्वल लो है, इक्वल लो का मतलब क्या होता है, यहाँ से बाउंस हो रहा है क्योंकि पीछे आपका ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है। तो मैं आप लोगों को जो है छोटा सा एक ट्रेलर दिखाता हूँ, फर्ज करें हम 15 मिनट पे जाते हैं, ठीक है जी, 15 मिनट पे जाने के बाद ये देखो इक्वल लोज। अब यहाँ पे आपके लिए थोड़ा ज्यादा निस्बतन वो क्लियर है, बजाय इसके क्या उसको 1 घंटे पे देखो, 5 मिनट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपके लिए और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। देख 5 मिनट में आपके लिए बिल्कुल क्लियर हो गया, अब आपको पता है कि यहाँ से डज बाउंस करने वाला है, आ जाओ भाई 1 घंटे पे वापस, चेती चेती करते हैं इसको। अच्छा, फिर उसके बाद बहरहाल दोबारा से आपने इधर शॉर्ट किया इसको, बिल्कुल वही लेवल है और आपको पता है कि भाई हालात हूँ खराब हूँ दर्द हूँ शदीद हूँ शॉर्ट हूँ मजीद हूँ, ठीक है जी। तो ये सीन आपका हुआ है, अब देखो आप इसको कि अगर आपकी एंट्री जो है वो यहाँ शुरू हुई है तो आप उसको छोड़ते हो कि भाई जाओ ब्रादर जाओ, आप सिर्फ और सिर्फ ये करो कि लेफ्ट साइड पे आप जाके अपना खाली वो जगह ढूंढो जहाँ पे माल पड़ा है, उस हिसाब से वो आप अपनी टीपी सेट करो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बगैर दिखाए मैं सिर्फ ऐसे करता हूँ कि मेरा जो पहला अगर शॉर्ट करने के बाद पहले टीपी होगी ना तो वो इस जगह पे होगी, ठीक है, 15%।
और मुझे पता है 100% के वो 15% जो है मेरी टीपी लगेगी लगी। क्यों? दो चीजें, एक तो आपको मार्केट डायरेक्शन का पता चल गया, दूसरा आपको जो है वो डेली का सारा जो माल पड़ा है जिस जगह पे पड़ा हुआ है उसको आपने जाके फर्दर 1 घंटे पे ढूंढा है, उस हिसाब से आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूशन की है। अब आप उसके बाद नीचे देखते हो कि भाई आपका जो पीछे या पीछे मतलब ये कि चार्ट पे जो पास डेटा है उस हिसाब से आपका माल किधर पड़ा हो, उस जगह पे आप अपनी टीपी लगाते हो और इन दैट केस आप उसको छोड़ते हो। अब ये होते हैं स्विंग ट्रेड्स, लेकिन एक ही ट्रेड में आप इतना कमा लेते हो कि जो मैं गारंटी करता हूँ कि आप लोग 50 ट्रेड में भी नहीं कमाते, गारंटी करता हूँ मैं आप लोगों को। 50 ट्रेड आप लगाओगे उसमें से आप लोग जो है वो 48 ट्रेड्स में जो है आप लोग लॉस करोगे, 2 में प्रॉफिट करोगे, ठीक है, ये मैं आप लोगों को गारंटी करता हूँ। अगर आप लोग खुद से करो वो अलग बात है, आप किसी को फॉलो करते हो शायद फिर इन दैट केस ये होगा कि 40 में लॉस करोगे 10 में प्रॉफिट करोगे, यही चलता है टू ग्रुप। बहरहाल अगर आप लोग जो है इस चीज को समझ जाओ तो इन दैट केस आपका जो रिस्क होता है ना, रिस्क ऑफ एरर या जो जो रूम फॉर एरर जो है वो आपका बहुत कम हो जाता है। यानी आपका रिस्क क्या है 3%, प्रॉफिट गेन क्या है आपको 15 से लेके 20 से 25%, ठीक है। अब हमेशा ऐसा नहीं होता मगर डिपेंड करता है कि किस टाइम फ्रेम को देख के कहाँ पे आपने वो जो माल है उसको किधर आइडेंटिफाई किया पहले और उस हिसाब से फिर आपने किस टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड एग्जीक्यूशन की। अगर आप देखते ही हो 1 घंटे पे और जाके 5 मिनट पे खेलते हो तो फिर इन दैट केस जाहिर है कि आपका जो है वो जो रिवॉर्ड रेशियो है वो फिर भी होगा तो अच्छा, लेकिन इतना नहीं होगा कि वो 15-20-25% पे पहुंच जाए, वो होगा शायद 4%-5% इस तरह का कुछ होगा या 6%। बहरहाल उसके बाद खैर ये जो है वो दोबारा इधर आया, फिर हमें पता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पीछे सारा हो गया, फिर उसके बाद डज वापस नीचे और इस हिसाब से आप उसको लेके चलते हो। तो अगर टोटल आप उसको ले लो ना कि यहाँ से यहाँ तक 15 यानी 150% टेनएक्स पे प्रॉफिट वहां पे हो गया, उसके बाद आप उसको दोबारा अगर देखो यहाँ तक तो आप इसको देखते हो कि भाई 100% आपका प्रॉफिट दोबारा हो गया, 250% आपने प्रॉफिट किया है और कितने दिनों में, अगर इसको हम उठा के देख लें यहाँ से लेके ऑल द वे बल्कि इधर तक तो 13 दिन में जो आपने 250% प्रॉफिट किया है जो कि ऑलमोस्ट 98% गारंटीड, ठीक है, बनिस्बत इसके कि आप लोग अंधाधुंध फायरिंग करो। ओके